कुमार के भंडारा पर महाघर श्याम साधो के महाघर श्याम साधो के हनुमान जी के महाघर श्याम साधो के आज की तारीख बोल दीजिए। आज 13 अक्टूबर आज 13 अक्टूबर 2019 है। मझलहा गांव में यहां भंडारा होने जा रहा है। हमारे संत जन धीरे धीरे आ रहे हैं। ठाकुर राम सिंह यही है। ये तो आदमी के साथ इतना भला करते हैं कि उसको जमीन में एक तरीके से ये गाल देते हैं। ये इनके खून में है, इनके खानदान में है। एक छोटा सा चबूतरा था और ये चमत्कार हुआ कि एक बार हमारी 15-16 साल पहले मुलाकात हुई। हम कहा सिंह साहब आप खाली बंदर इनका रोज खवाओ या भंडारा उंडारा भी रोको, खाली आप बंदर भंडारा करो। अनवरत किया इन्होंने। अंजाम देखिए कि एक छोटी सी चबूतरिया जो मंदिर का डिजाइन बना है उधर दिखाइए जरा कैमरा, कुछ तो आ ही जाएगा। हाँ अब इधर दिखाइए। कच्चा चबूतरा था, ये कच्चा चबूतरा था और ये मंदिर जो डिजाइन का बना है ये अमेरिकी वैज्ञानिक भावेश जी थे और कुवैत के एक साहब थे चौधरी और कई लोग थे। तो उन लोगों ने कहा कि ये लखनऊ के डिजाइन से मंदिर बनना चाहिए। तो खैर वो कारीगर बेचारे बड़े अच्छे रहे ना सिंह साहब, उन्होंने लखनऊ का फोटो देख के बना दिया। इस जवार में देखो मंदिर की खूबसूरती तो अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि रायबरेली जनपद में अकेला यह मंदिर है। काहे में 11 बंदर हमारे द्वारा यहाँ गाड़े गए थे, 11 बंदर और 17 बंदर बेतौरा में हमने गड़वाए थे और 11 बंदर यहाँ गड़ा। यह सुविधा क्या थी कि हमको राहत बहुत देते हैं। हाँ सिंह साहब एक बंदर खत्म हो गया है महाराज गड्ढा, अरे आप आइए तो गड्ढा खोदा हुआ मिलता था। अब बेतौरा में हमारे बड़े कर्म होते थे, वहाँ कोई करने वाला नहीं। चाचा जी के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाए। तो ये महाघर श्याम साधो के महाघर श्याम साधो के तो ये रायबरेली का अनोखा मंदिर है जहाँ हम तो कहते उस हनुमान मंदिर में अगर बंदर का हनुमान का अंश नहीं है तो वहाँ भैया देखो काम नहीं बनने वाला। और ये शनि मंगल नाम ही इसका रखा गया है ना, मंगल शनि हनुमान मंदिर किसका नाम रखा गया है। और इसके ऊपर की कलश में हमारी दिल्ली की सुमन माँ बैठ गई हमेशा के लिए। वो इतनी भागशाली महिला और भयंकर पानी बारिश हो रही थी। हम लोग अयोध्या गए थे, ठाकुर साहब की गाड़ी गई और वहाँ सबसे बढ़िया कलश खरीदा गया और वो कलश आया लगा। देखिए ये सब प्रभु करते हैं। तो हमारा मतलब है कि कितने भी आप लोग भंडारा शहर वालों लखनऊ कानपुर निपोरा झन्ना वहाँ मत करो, गांव चले आओ। इधर दिखाओ बच्चों की ओर दिखाओ, इनसे बड़ा कौन महात्मा है हमें कोई बता दो। न इनमें जात है न पात है न ऊंच है न नीच है, इनसे बड़ा महात्मा कौन है हिंदुस्तान वालों मुझे बताओ। तो हम तो लोगों को यही समझाते हैं कि देखो ईश्वर के सब बच्चे हैं, हम लोगों ने बना लिया। तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो तुम फलाने हो, अरे यार उसी के सब बच्चे हैं। हम एक दूसरे की सहायता करें, हम एक दूसरे को मारे ना। अब यही सिंह साहब जो कभी बंदर को छुआ नहीं होगा, एक से एक भयंकर बंदर ये पकड़ के लाते थे हमारे घर, उसका मैं इलाज करवाता था। आपने वीडियो में देखा होगा ये साहब इनके पास कहाँ से आया। और आज भी इनका बंदर भोज चालू रहेगा, हमेशा ये करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि आप लोग जितने शहर वालों हो आपको कोई भंडारा करना हो गांव चले आओ, यहाँ चले आओ, गांव चले जाओ और गांव में पता लगाओ सबसे गरीब आदमी या मुसीबत का मारा कौन है। गरीबे न देखो मुसीबत का मारा, उसके यहाँ जाओ जाके चुप्पे 1,000 2,000 5,000 लिफाफा में भर के दे दो। बहुत से शान वाले हैं ऐसे दान नहीं लेंगे, उनसे कहो बाबा ने प्रसाद भेजा है और बाबा के नाम से सब कोई ले लेगा। तो मुसीबत में जो हो उसकी सेवा कर दो, वही सबसे बड़ा संसार में धर्म है। न जात देखो न धर्म देखो, केवल इंसान देखो, है ना कहने की बात। चाचा बाबा जी की जोरदार तालियां। महाघर श्याम साधो के महाघर श्याम साधो के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बम भोले। ओम परमात्मा।